प्रभात बच्चों, सुप्रभात बच्चों। आज माँ सरस्वती को प्रणाम करके हम परोपकार यानी दूसरों के लिए उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। परेषाम उपकार परोपकार कथ्यते। यहाँ पर मैं आपको परोपकार का कुछ निबंध के बारे में बताने जा रही हूँ कि 18 पुराणों में भी व्यास जी ने परोपकार के बारे में दो ही वचन कहे हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य न वचनम द्ववचनम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। 18 पुराणों में भी व्यास जी ने दो वचन कहे हैं कि परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा देना पाप होता है। परोपकार फलंती वृक्षा परोपकार वहंती नद परोपकार ध्वंती गाव परोपकारम शरीरम। परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं जबकि फल अपना वृक्ष कभी नहीं खाते। परोपकार के लिए नदियां बहती, नदियां कभी अपना स्वयं जल नहीं पीती। दूसरों के उपकार के लिए बहती हैं। परोपकार के लिए गाय दूध देती है, दूध अपना स्वयं गाय भी नहीं पीती। परोपकार के लिए सज्जन पुरुष अपना शरीर धारण करते हैं और तप करते हैं और दूसरों को प्रवचन देते हैं। परेषाम उपकार कृतम कर्म परोपकार कथ्यते। परेषाम यानी दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार कहा जाता है। अस्मिन् जगति सर्वे जना स्वकीय सुखं वाञ्छति अस्मिन् एव जगतिम् अपि जना सन्ति कृत्यपि परेषाम कल्याण कुर्वन्ति तेव परोपकारिणी सन्ति परोपकार देव भवति अस्य भवस्य उदयनम् समाजस्य देव सम्भवन्ति सन् अचेत परोपकार्यम रत्ना दृश्यन्ते मेघा परोपकारम जलम वंती बादल भी परोपकार के लिए बरसते हैं। इसी प्रकार सूरज भगवान भी परोपकार के लिए उदय होते हैं और तपते हैं, दूसरों को प्रकाश देते हैं। दूसरों के उपकार के लिए परोपकार के बारे में मैं आपको हिंदी में भी अनुवाद करके नीचे दे रही हूँ, आप इन्हें पढ़िए और याद कीजिए और इसे लिखने का प्रयास कीजिए और आप भी परोपकार करते रहिए। पुण्य मिलता है परोपकार से। व्यक्ति हमेशा किसी को भी अच्छी भावना से कुछ दे दे तो कुछ कमी नहीं होती है। धन्यवाद।